मैं अब 1972 के म्यूनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की घोषणा करता हूं। और वह दूसरी मंजिल पर था। अचानक मैंने देखा कि खिड़की खुली, पर्दे खुले और मुझे खिड़की के सामने आंध्रे दिखाई दिया। मैंने देखा कि कैसे उसे राइफल के कुंदे से वापस कमरे में धकेला गया। खिड़कियां बंद कर दी गईं, पर्दे बंद कर दिए गए और वही आखिरी बार था जब मैंने उसे जिंदा देखा था। लेकिन कम से कम मैं जानती थी कि वो अभी भी जिंदा है। मेरे कोच को मैंने आखिरी बार पार्किंग में देखा था। लोग अपने कमरों में जा चुके थे। उन्होंने कहा, चलो कल सुबह मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे ऊपर जो गुजरी उससे मैं बहुत टूट गई थी, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह के काम के लिए वॉलंटियर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। मुझे पता है कि अगर वो कुछ करते भी हैं, तो पहली टीम को बाहर निकाल कर दूसरी टीम को भेज देते हैं। इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी किसी चीज का हिस्सा बनूंगी। ये काफी हद तक अटकल ही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुसाद ने उसे उसके कनेक्शन, अक्लमंदी और काम कर दिखाने की खासियत के चलते भर्ती किया था। मैं पहली बार अपने कोच से तब मिली थी जब मैं 12 साल की थी। उस दिन हमने 60 मीटर की दौड़ लगाई थी। उन्होंने मेरे और बाकी बच्चों के साथ दौड़ लगाई और मैंने उन्हें हरा दिया। वो मुझे एक तरफ ले गए और मुझसे कहा कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि वो मुझे ओलंपिक के लिए तैयार करेंगे। मुझे उद्घाटन समारोह याद है। दुनिया भर के लोगों, रंगों और झंडों को देखना काफी अनोखा अनुभव था। हमें बहुत गर्व हो रहा था, खासकर इसलिए कि हम जर्मनी में इजराइल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जब मैं ओलंपिक में पहुंची, तब अपने जीवन के बेहतरीन फॉर्म में थी। मैं 19.5 साल की लड़की अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। मैं एक अच्छी तरह प्रशिक्षित और अनुशासित घोड़े की तरह महसूस करती थी, जिसे ओलंपिक में लाया गया था और खुला छोड़ दिया गया था, और ये मेरे नतीजों में भी दिखा। हर बार जब मैं दौड़ी, मैंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े। मुझे हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना होता था, जो आसान काम नहीं था। और वो बहुत अच्छी स्थिति में लग रही है, क्योंकि वो चौथी लेन में है। वो ये रेस जीत सकती है। खुशी का समय था, मुझे मजा आ रहा था। मैं फाइनल के करीब और करीब जाती गई, लेकिन फिर अचानक बेहद बर्बर तरीके से इसका अंत हुआ, जैसे कोई हमारा सिर धड़ से अलग कर दे। लेबनानियों से मुलाकात के ठीक बाद हम 2 दिनों के लिए हॉलैंड गए, क्योंकि हमारी बच्ची अस्पताल में 24 घंटे रोती रही। किसी को समझ नहीं आया क्यों। आंद्रे को वापस जाना पड़ा, उसे केवल 2 दिन की छुट्टी मिली थी। लेकिन मैंने कहा, मैं यहाँ हॉलैंड में रहूंगी और बच्ची की देखभाल करूंगी। एक हफ्ते में तुम्हारी प्रतियोगिताएं खत्म होने के बाद हम एक दूसरे से फिर मिलने वाले हैं, तो समझे ना। वो डेलीगेशन के साथ वापस चला गया और मैं बच्ची और बाकी सब के साथ चले गई। तो इसलिए मैं हॉलैंड में रुकी और अगली सुबह 5 सितंबर के दिन मेरे माता पिता मेरे कमरे में आए और उन्होंने पूछा, आंकी, इसराइल के डेलीगेशन में कितने लोग हैं।
मैं अभी अभी जगी थी। मैंने कहा मुझे लगता है कि 20 के करीब या शायद 22, मुझे ठीक से पता नहीं। मैंने कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, वो भी सुबह 7 बजे। गुड आफ्टरनून, मैं जिम मैके पश्चिम जर्मनी के म्यूनिख में ओलंपिक विलेज के ठीक बाहर से लाइव हूँ। जिसे शांत ओलंपिक कहा जा रहा था उसकी शांति आज सुबह से ठीक पहले करीब 5 बजे तब भंग हो गई, जब अरब आतंकवादी मशीन गनों से लैस होकर काला नकाब पहने दीवार फांदकर इजरायली टीम के मुख्यालय में घुसे और तुरंत एक आदमी को मार दिया, 2 गोली सिर में, 1 पेट में। सुबह के 6 बजे मेरे दरवाजे पर खटखट हुई और ताज़ा खबर ये है कि एक और को मार दिया गया है। मुझे लगा वो लोग मुझे जगाने आए हैं क्योंकि मुझे दौड़ के लिए देर हो गई है। मैंने कहा 1 मिनट और दरवाजा खोलने से पहले अपना ट्रैक सूट पहना। जाहिर है जर्मन पुलिस वहाँ है, सेना भी है। अब पता चल रहा है कि मामला और विचित्र और भयानक हो चुका है। चेहरे पर कपड़े का नकाब पहने आदमी को देखिए, भयानक। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर श्लोमित नाम का तैराक और एक महिला थे जो उस फ्लोर की देखरेख करती थी जिस पर मैं थी। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के ठहरने की जगह में आतंकवादी घुस आए हैं। उन्होंने दोपहर की समय सीमा तय की जो सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट पहले तय की गई। उन्होंने कहा कि वो उस समय सभी बंधकों को मार देंगे। जाहिर है जब वो समय सीमा बीत गई, हमारी जानकारी के मुताबिक फिर कोई भी हरकत नहीं हुई। ये पहली बार था जब ओलंपिक का सीधा प्रसारण किया गया था ताकि आप इसे फॉलो कर सके और देख सके कि वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ ये सफेद टोपी वाला आदमी। मैं 21 घंटे टीवी के सामने बैठी रही। यकीनन मैं चाहती थी कि मैं तुरंत म्यूनिख वापस जाऊं क्योंकि उस दौरान मैं यहां थी, लेकिन दूतावास के सुरक्षा कर्मचारियों ने कहा कि वहां मत जाओ क्योंकि आपसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। हजारों लोग फाटकों के बाहर खड़े हैं और तुम वहां खो जाओगी और वे तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हम सब ने समझौते की बातचीत होते देखी, पूरी दुनिया ने देखी। चारों ओर जो उसने किया वो एक दर्दनाक नजारा था। हमने लगातार अल्टीमेटम सुने, अगर आप इजरायल की जेल में बंद 200 आतंकवादियों को रिहा नहीं करेंगे तो हम हर 2 घंटे में किसी न किसी को मारकर खिड़की से बाहर फेंक देंगे। पहले तो उन्होंने कहा कि वो दोपहर तक बंधकों को मार देने वाले हैं। ये डरावना था क्योंकि मैंने सोचा कि अब हो सकता है वो आंद्रे को मार डालें। उन्होंने समय सीमा को 5 बजे तक बढ़ा दिया, फिर इसे वापस 3 कर दिया, फिर 5। आखिरी बार जब मैंने उसे जीवित देखा था तब शाम के लगभग 5 बजे थे। यहाँ इस जगह पर बिल्डिंग के सामने क्राइसिस टीम, बवेरिया के मंत्री, संघीय मंत्री, मिस्र के राजदूत सब यहीं खड़े थे और वो ऊपर दूसरी मंजिल पर था। और मैंने देखा कि उसने अपना चश्मा नहीं पहना था और मुझे लगा कि ये उसके लिए इतना अपमानजनक है क्योंकि मैं जानती थी कि वो चश्मे के बिना नहीं देख सकता था। मैंने देखा कि कैसे उसे राइफल के कुंदे से वापस कमरे में धकेला गया, खिड़कियां बंद कर दी गईं, पर्दे बंद कर दिए गए और वही आखिरी बार था जब मैंने उसे जिंदा देखा था। आतंकवादी इजरायलियों को भूमिगत कार पार्किंग में ले गए और एक बस में बिठाया। ये उस बिल्डिंग के ठीक नीचे हो रहा था जिसमें हम थे। मैंने देखा लेकिन मुझे मेरे कोच नहीं दिखे। मैंने आतंकवादियों को देखा, वो ऐसे चल रहे थे जैसे वो दुनिया के राजा हों, जैसे कि वो ही सारे आदेश देने वाले हों। गोरिल्लाओं ने अभी बताया है कि वो जर्मनी से बाहर जाने की अनुमति दिए जाने की मांग कर रहे हैं। जर्मनों ने अरबों को बंधकों को हेलीपोर्ट तक ले जाने की अनुमति दी है जो गाँव के अंदर ही है। मुझे अब भी याद है कि मेरी माँ ने कहा था, ओह कम से कम वे वहाँ होंगे, वे कुछ कर रहे हैं, कम से कम वे उन्हें दूर ले जाने वाले हैं और फिर वे बातचीत कर सकते हैं। मैंने कहा माँ ये उनका अंत है, जानती हो क्यों? क्योंकि जर्मन नहीं चाहते थे कि ये नाटक उनके मजेदार ओलंपिक विलेज के अंदर हो। वे उन्हें वहाँ से हटाना चाहते थे, वे ओलंपिक खेलों को जारी रखना चाहते थे। जब वो चले गए तो मुझे प्रतियोगिता जारी रखने के लिए कहा गया। मैंने कहा मैं जो सुन रही हूँ उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरा कोच चला गया और ये एक बहुत बुरा दिन था, मैं कैसे खेल सकती हूँ? शुरुआत में उन्होंने कहा कि बंधक सुरक्षित हैं, अब ये बात बदल गई है। और टीम के डॉक्टर मुझे बगल वाले कमरे में ले गए ताकि मैं सो सकूँ, अगले दिन दौड़ के लिए तैयार हो सकूँ। वहाँ तबाही का मंजर था। मैं ठीक से सो नहीं पाई, मुझे बुरे सपने आ रहे थे। और वे सभी इजरायलियों को 8 आतंकवादियों के साथ सीढ़ियों से नीचे इस भूमिगत पार्किंग में ले गए।
हेलीकॉप्टर का इंतजार करने के लिए वे उन्हें बस में ले गए और फिर मैंने देखा लाइव टीवी पर दो हेलीकॉप्टर ओलंपिक विलेज से उड़ान भर रहे हैं, जिसमें सभी इजरायली एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और फिर वे छोटे सैन्य हवाई अड्डे पर गए जिसका उस समय इस्तेमाल नहीं हो रहा था। वहाँ अभी भी फायरिंग चल रही है, एक हेलीकॉप्टर में आग लगने की सूचना है। मेरी टीम के सभी साथी लिविंग रूम में टीवी के सामने बैठे हुए देख रहे थे कि क्या होने वाला है। बचपन में मेरे पिता कहते थे कि हमारी सबसे बड़ी उम्मीदें और सबसे बुरे डर शायद ही सच होते हैं। आधी रात में उन्होंने घोषणा की कि सभी को मार दिया गया है। आज रात हमारा सबसे बड़ा डर सच हुआ, वो सब मारे गए। जब मैं उठी और उनके चेहरे देखे तो मुझे पता था कि क्या हुआ है। हमारे पास केवल एक महान आदर्श की ताकत है। मुझे यकीन है कि लोग इस बात से सहमत होंगे कि हम मुट्ठी भर आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के इस केंद्र को नष्ट करने की अनुमति नहीं दे सकते। ये गहरे दुख की बात है कि इजरायली डेलीगेशन आज जर्मनी को छोड़कर जा रहा है। खेल चलते रहना चाहिए। मैंने खुद से कहा कि जब मैं टीवी पर इसके बारे में बात करूंगी तो अब और नहीं रोऊंगी, लेकिन जब मैं इसके बारे में बात करती हूं तो वो दृश्य मुझे वापस दिखने लगते हैं। वो दो दिन भुलाए नहीं भूलते। मैं इस याद को खुद से दूर करने की कोशिश करती हूं, लेकिन जब ये वापस आती है तो मुझे फिर से दर्द महसूस होता है। मैं वो सारे दृश्य जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने देखा कि कैसे खिलाड़ी चल रहे हैं, हाथ और पैर आपस में और दूसरों से बंधे हैं। ये वही जर्मनी है। इसी तरह से यहूदियों को ले जाया गया था। मतलब मैं अपने आंसू नहीं रोक सका। हमने उन्हें हमारे विमान में ताबूत डालते देखा। मैं अंदर बैठी नहीं जानती थी कि मैं क्या सोचूं। आप अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद में ओलंपिक में आते हैं। मेरे कोच को मेरे बगल में होना चाहिए था, लेकिन अब वो वहां नीचे था।
जब मैं म्यूनिक से वापस आई इस पूरी त्रासदी के बाद, तो बहुत गुस्से में थी, बहुत बहुत गुस्से में। और मेरे माता पिता, बेशक उन्होंने कहा, देखो तुम क्या करोगी, और मैंने कहा, सच कहूँ तो मैं अभी नहीं जानती, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और उन्होंने मुझसे कहा, बेशक हम चाहेंगे कि तुम हॉलैंड वापस आ जाओ, तुम्हारी वित्तीय स्थिति बहुत बेहतर होगी, तुम्हारी पारिवारिक स्थिति, तुम्हारी सुरक्षा की स्थिति भी। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, यदि तुम इजराइल में रहने का फैसला करती हो तो इसमें भी हमारी पूरी सहमति होगी, और जब जब तुम हमें वहां आने देना चाहो हम तब तब आएंगे। तो मुझे सोचने में कुछ दिन लगे और मैंने कहा, यही वो जगह है जहां मैं रहना चाहती हूं। अगर मैं एम्स्टर्डम में एक खूबसूरत घर में रहती हूं, तो मैं कभी भी उस छोटे बच्चे अनूप को ये नहीं समझा पाऊंगी कि उसके पिता कौन थे या ऐसा क्यों हुआ। जब मैं इसराइल वापस आई तो मैंने सोचा, अब यही मेरा मिशन है, मैं यही करने वाली हूँ, मैं ओलंपिक में वापसी करने जा रही हूँ और अपनी इजरायली भावना को टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि वो यही चाहते हैं, हमें तोड़ना और हर जगह हमारा बहिष्कार करना। मैंने ओलंपिक में वापस जाने का फैसला किया। मैं ओलंपिक फाइनल में पहुंची, जो मेरे कोच का सपना था। मैंने 100 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ा। मैं महसूस कर सकती थी कि सभी इजरायली मेरा समर्थन कर रहे हैं, वो जानते थे कि मैं अपने कोच के मिशन को जारी रख रही हूँ। ये एक ही समय में इमोशनल और प्रोफेशनल दोनों था। ये ओलंपिक में जाने के एक मासूम सपने से बिल्कुल अलग था, ये उससे कहीं ज्यादा दृढ़ था। मैं बिल्कुल भी बदला नहीं लेना चाहती थी, लेकिन समझ गई थी कि देश इससे अलग रुख अपना सकता है। आतंकवाद एक राजनीतिक हथियार बन गया है, और इससे छुटकारा पाने के लिए आतंक के मुख्यालय को खत्म करना होगा। यही मसला ब्लैक सितंबर के साथ था। उन्होंने म्यूनिख में इजरायली टीम का अपहरण किया। अली हसन सलामेह, वो ऑपरेशन अधिकारी था और वो उनका नेता था। देखिए, कुछ मामलों में हम उन्हें पकड़ नहीं सकते थे, हमें उनसे छुटकारा पाना था। अली हसन सलामेह हमेशा से यहूदियों का हत्यारा रहा है, और उससे छुटकारा पाने का ये सबसे सुरक्षित तरीका है। गोल्डा मायर और उनकी सरकार के आदेश के तहत एक सीक्रेट सर्विस टीम बनाई गई। उन्हें यासिर अराफात के शागिर्द अली हसन सलामेह को निशाना बनाना था। वो ब्लैक सितंबर का ऑपरेशन चीफ था। इस तरह के युद्ध में सेना, इंटेलिजेंस और जासूसी जैसी सारी चीजें शामिल होती हैं। Spying, all this sort of things. वो कनाडा की पैट्रिसिया रॉक्सबरो थी। उसने अपना परिचय एक फ्रेंच पिक्चर एजेंसी में काम करने वाली फ्रीलांस फोटोग्राफर के तौर पर दिया। मैं पहली बार उससे पेरिस में एक दोस्त के फ्लैट पर पार्टी में मिला था। वो अलग ही दिख रही थी, क्योंकि वो बहुत जिंदा दिल थी। लंबे काले बाल, बहुत चंचल आंखें, दृढ़। लेकिन उसका एक रहस्य भी था। वो बहुत आकर्षक थी, और यही खास था। वो इंसान की सारी गहनता को बाहर ला देती है, और वो उस व्यक्ति को भड़का देती है और सारी जानकारी हासिल कर लेती है, और जब उसे जानकारी मिल जाती वो आगे बढ़ जाती थी। मैं एएफपी में पत्रकार था,
और पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे लगता है कि वो उन पत्रकारों के साथ संबंध बनाना चाहती थी जो यात्रा कर सकते थे और जिनके साथ उसे अलग अलग जगहों पर जाने का बहाना मिल सकता था, और इसलिए उसने कहा चलो चलते हैं और कर्नल गद्दाफी के साथ पहला इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से मेरा मतलब है, पीछे मुड़कर देखें तो कर्नल गद्दाफी की तस्वीरें लेने में उसकी दिलचस्पी सिर्फ पत्रकारिता के चलते नहीं थी। सिल्विया ने फैसला किया कि वो इसराइल वापस जा रही है और खुद को इसराइल राज्य के लिए समर्पित कर देगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। मैंने सोचा कि मैं सैन्य सेवा के बजाय कुछ और योगदान देना चाहती हूँ। मुझे लगा कि ये बहुत निचले स्तर का काम है। अक्सर आप महिलाओं को कवर अप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप एक कैफे में एक महिला के साथ घंटों बैठ सकते हैं, लेकिन एक पुरुष के साथ वहाँ बहुत देर तक नहीं बैठ सकते। जिसके बारे में मुझसे बात की गई थी वो पूर्ण काले काम नहीं था और निश्चित रूप से इस तरह का मिशन तो बिल्कुल नहीं। मारियाने की खास बात ये थी कि वो नॉर्वेजियन अच्छी तरह बोल लेती थी। ये बहुत भ्रामक स्थिति थी जब मुझे समझ आना शुरू हुआ कि मैं ऐसे गंभीर काम में शामिल थी जो मेरी कल्पना से परे था और जिसमें मैं साथ आने के लिए सहमत नहीं थी। पर अब घर वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बिल्कुल आपातकालीन स्थिति थी। उनके पास जानकारी थी कि अली हसन सलामे नॉर्वे जा रहा था। मैंने कुछ दिनों पहले ही शुरुआत की थी। मुझे किसी भी चीज के लिए खास तौर से प्रशिक्षित नहीं किया गया था, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं था। हाँ, उसे देखने वाले अधिकांश लोगों को लगा कि वो वास्तव में अली हसन सलामे ही है। उन लोगों ने मुझे एक तस्वीर दिखाई और मैंने कहा कि इसका शारीरिक गठन अलग है और इस तस्वीर में उसकी भौहें बहुत अलग हैं। मुझे नहीं लगता कि ये वो हो सकता है। सिल्विया ने भी यही कहा कि ये वो नहीं था। उन्होंने फिर भी बिना शक आगे बढ़ने का फैसला किया। और ये एक इजरायली त्रासदी थी। इजरायली हत्यारा दस्ता म्यूनिख ओलंपिक हमले के जिम्मेदार अरब व्यक्ति बेन सलामे का पीछा करते हुए लिलहामर आया। सारा माहौल जल्दबाजी और मजबूरी का था। ये बेहद भ्रमित करने वाला था। जिस आदमी का पीछा वो कर रहे थे वो उन्हें 30 साल के मोरक्कन वेटर बोशिकी तक ले गया। इसलिए सब कुछ विफल रहा क्योंकि तैयारी अच्छी तरह नहीं की गई थी। इसराइल का दावा कि बोशिकी ब्लैक सितंबर में मुख्य आरोपी था, इसे नॉर्वे पुलिस साबित नहीं कर सकी जो गलत आदमी के मरने का दावा करती थी। मुझसे पूछा गया था, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने देर रात बस से उतरते हुए बोशिकी और उसकी गर्भवती पत्नी पर हमले की योजना बनाई। दो नकाबपोशों ने साइलेंसर लगी .22 पिस्तौल से उन्हें मारा। मैं इस पूरे अनुभव के चलते बिल्कुल टूट गई थी क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह के काम के लिए वॉलंटियर नहीं किया था। रोम और पेरिस में अरबों की हत्या में उसी तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया था। मैं सदमे में चली गई थी। गैंग के 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, बहुत मजबूत सुरक्षा स्क्रीन से घिरे हुए हैं। पुलिस ज्यादा जानकारी नहीं दे रही है जो कि मुख्य जांचकर्ता के साथ हमारे इंटरव्यू से साफ पता चलता है। कल इस हत्या को 5 अलग कारों से जोड़ा गया। 4 विदेशियों, 2 पुरुषों और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास स्वीडिश, कनाडाई और ब्रिटिश नागरिकता थी और पहचान के कागजातों के कई सेट थे। 2 लोगों की अभी भी तलाश की जा रही है जिन पर बोशिकी को मारने के लिए 12 गोलियां चलाने का संदेह है। Well, it was one day in 1973 in 1973 में सैगोन में एक दिन जब मैं वियतनाम युद्ध पर रिपोर्टिंग कर रहा था और मैं रॉयटर्स समाचार एजेंसी के कार्यालय का चक्कर लगाने गया तो वहां एक बुलेटिन चल रही थी जिसका मतलब था नॉर्वे से रॉयटर्स वर्नाक्यूलर में एक बहुत ही जरूरी स्नैप स्टोरी जिसमें कहा गया कि लिलहामर नामक शहर में एक हत्या हुई थी।
और उन्होंने इसमें शामिल हथियारों या कथित हथियारों के नामों की सूची बनाई थी और उनमें से एक पेरिस से मेरी पूर्व प्रेमिका थी जिसका नाम पैट्रिसिया रॉक्सबरो था जो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थी जिसे बाद में दक्षिण अफ्रीका की सिल्विया रफाइल के तौर पर जाना गया। तो मैं बिल्कुल भौंचक्का रह गया, सच कहूं तो सदमा लगा। मैंने खुद से सवाल किया कि मुझे कभी कोई शक क्यों नहीं हुआ, लेकिन इस मामले में उसने सभी को धोखा दिया था। उसने मुझे धोखा ही नहीं दिया बल्कि वो अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षित भी थी। मैं पहली बार सिल्विया से तब मिला था जब वो लिलहामर की अदालत में पेश हुई। वो जिस तरह आई और उसने जो कहा वो बहुत प्रभावशाली था। हम गेमेरांड सिल्विया के लिए क्षमादान की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उसे सबसे लंबी सजा मिली थी, 5.5 साल की। मुझ पर अनैच्छिक हत्या का मामला दर्ज हुआ, मैं वहाँ 15 महीने थी। मुझे ठीक से याद नहीं कि वो कितने समय तक जेल में रही। अच्छे व्यवहार के लिए उसकी सजा कम कर दी गई और उसे रिहा कर दिया गया। लिलहामर में वास्तविक कीमत मोसाद टीम के मारियाने और सिल्विया जैसे लोगों ने चुकाई। मैं ओस्लो के बाहर एक महिला जेल में थी। आपको आइसोलेशन में रखा जाता है, आप किसी और से नहीं मिलते। शुरुआत में कोई रेडियो नहीं, कोई पेपर नहीं, कुछ भी नहीं। ये कोई यातना या वैसा कुछ भी नहीं था। आखिर ये नॉर्वे है, लेकिन एक तरह से ये मुश्किल भी था क्योंकि हर कोई बहुत मिलनसार था। मैंने अपने दौड़ने वाले जूतों को खूंटी पर टांगने और परिवार शुरू करने का फैसला किया। मेरा एक बच्चा था। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग पूछते हैं कि क्या मैं अभी भी दौड़ती हूँ। हाँ, मैं दौड़ती हूँ और 45 साल का रिकॉर्ड अभी भी मेरा है। मुझे लगता है कि ये खुद में एक रिकॉर्ड है क्योंकि किसी और देश ने उस अवधि में 100 मीटर में कोई नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड नहीं बनाया। आखिरकार ये एथलेटिक्स में सबसे लोकप्रिय खेलों में एक है। दुर्भाग्य से ये अभी भी मेरे पास है। मैं एक प्रतिभा के आने का इंतजार कर रही हूँ। मैं उसके पीछे पीछे इसलिए गई क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। मैं बस उसके साथ रहना चाहती थी। मुझे उससे पूरी तरह प्यार हो गया था। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप अकेले रहना बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और आप केवल उसके घर आने का इंतजार करते हैं और सुबह उस इंसान का चेहरा देखकर जगना, ये अद्भुत था। वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय था। मुझे याद है कि जब मैं लगभग 3 या 4 साल की थी, मैं पड़ोस के एक बच्चे के साथ खेल रही थी। उसने मुझे कहा, अरबों ने तुम्हारे पिता को मार डाला। मेरी माँ मुझे बताती हैं कि मैं घर आई और मैंने पूछा, क्या ये सच है? फिर उन्हें मेरे साथ बैठना पड़ा और इसके बारे में और बातें बतानी पड़ी।
मैं चाहती हूँ कि वो इस स्थिति को समझे और मैं ये भी चाहती हूँ कि वो बिना नफरत के बड़ी हो, क्योंकि सभी ने उसके पिता को नहीं मारा। ये केवल एक बहुत छोटा समूह है और उसे ये पता होना चाहिए। मेरे लिए उसे ये खास बात बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसे भी इस सच के साथ जीना है। हालांकि उसे नफरत करने का हक भी है, क्योंकि वो बिना पिता के पली बढ़ी है। मैंने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता पाने की कोशिश कभी बंद नहीं की। मैं 76वें ओलंपिक खेलों में मॉन्ट्रियल भी आई हूं, और जो हुआ उसे स्वीकारने के लिए मैंने एक मिनट का मौन भी रखवाया। यह है श्रीमती एस्थर रोथ, बाधा दौड़ की खिलाड़ी, म्यूनिख में 1972 के उस दुखद हादसे के बाद इजरायली टीम की एकमात्र जीवित सदस्य, उनके डेलीगेशन में 47। मैं 45 साल बाद ओलंपिक स्टेडियम में वापस आई हूँ। मैंने पूमा के वही कपड़े पहने हैं जो उन्होंने मुझे उस समय यहाँ दिए थे। ये मुझे वापस उस समय में ले जाता है। मैं जब पहली बार यहाँ आई थी, मैं ओलंपिक को लेकर बहुत उत्साहित थी, और जब मैं यहाँ से गई, मैं बहुत उदास थी। सौ मीटर की नई इजरायली रिकॉर्ड धारक डायना वाइसमन। इसके हाथ में मशाल देना मेरे लिए गर्व की बात है। छियालीस साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ने का समय था। मैं बहुत खुश थी कि डायना ऐसा कर सकी। उसने दिखाया कि इस देश में प्रगति हो रही है, कि एथलेटिक कार्यक्रम मजबूत है। शायद अब और लड़कियां भी इस खेल को चुनेंगी। एस्थर मेरे लिए एक रोल मॉडल है। मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। मेरी योजना टोक्यो या पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है। जो हुआ उसे कभी भूले नहीं, ताकि हम ये कसम खा लें कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा, कि हम सब कुछ करेंगे। वे कभी तैयार नहीं थे, क्योंकि मॉन्ट्रियल में उन्होंने कहा 22 अरब राष्ट्र ओलंपिक में भाग ले रहे हैं और वे इसे छोड़कर घर चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है तो जाने दो, अगर उन्हें समझ में नहीं आता कि ओलंपिक क्या है तो उन्हें घर ही जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगली बार बार्सिलोना में उन्होंने मुझसे कहा, आप ओलंपिक खेलों में राजनीति मिला रही हैं। मैंने कहा, मैं राजनीति ला रही हूँ? आप वहाँ के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन हैं। फिर उन्होंने मुझसे 30 साल या थोड़े और समय बाद कहा, अभी ये बहुत जल्दी होगा। मैंने कहा, तुम मुझे कब बुलाना चाहते हो? जब मैं 80 के करीब हो जाऊँ? यदि आपको ये कहने में कोई समस्या है कि इजराइल के यहूदियों के साथ क्या हुआ था या जो भी हुआ, उसे ना भूलें। भले ही ना कहें कि वे यहूदी या इजरायली थे, कहें कि वे लोग ओलंपिक परिवार का हिस्सा थे। वे वैसे ही एथलीट थे जैसे आप लोग हैं। फिर उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह कितनी खुशी का मौका होता है। हम ऐसा कुछ दुखद नहीं करना चाहते।
और मैंने उद्घाटन समारोह देखा और उन्होंने लंदन में हुए आतंकी हमले को याद किया और उन्होंने कहा था 46 अरब राष्ट्र हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे हाथ नहीं बंधे थे, मेरे पति और उनके साथियों के हाथ और न केवल उनके हाथ बंधे थे, उनके पैर भी कमरे के फर्नीचर से बंधे थे। वे अंत में सहमत हुए। ये रियो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष द्वारा ये मेमोरियल सर्विस रखी गई थी। उन्होंने नाम पुकारे, एक मिनट का मौन रखा और मैंने चारों ओर ओलंपिक विलेज की इन सभी इमारतों को देखा और मैंने कहा, आंद्रे, इसमें 44 साल लग गए लेकिन अब ये तुम्हें मिल गया। अंत में आप और आपके साथियों को वो सम्मान जो लंबे समय से बकाया था, क्योंकि आप प्यार, भाईचारे और शांति के इस त्योहार में भाग लेने के लिए ओलंपिक खेलों में आए थे और आप सभी ताबूतों में घर आए और इसे दुनिया को नहीं भूलना चाहिए। मैं केवल बहुत आभारी हो सकती हूं कि उन्होंने ये काम किया, क्योंकि 50 साल बाद लगभग हम अभी भी कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं, अभी भी इसका जिक्र कर रहे हैं, और ये ज़्यादातर इसलिए है क्योंकि उन्होंने दुनिया को भूलने नहीं दिया है। म्यूनिख में क्या हुआ था, हम जानते हैं कि जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं वे उसे दोहराने के लिए बाध्य होते हैं, और लोग मुझे कई बार देखते और कहते, लो फिर आ गई। मैंने कहा, हाँ, मैं यहाँ बार बार आऊंगी जब तक कि तुम सही काम नहीं करते। आखिरकार 45 साल बाद म्यूनिख ओलंपिक विलेज के मैदान में ही इस खूबसूरत स्मारक का निर्माण किया गया। ओलंपिक विलेज, आंद्रे स्पित्सर, तलवारबाजी के ट्रेनर, उम्र 27 साल। उसे यहाँ जैसा दिखाया गया है वो वास्तव में वैसा ही था, अपनी बच्ची के लिए दीवाना। ये तब की तस्वीर है जब हमने हॉलैंड में शादी की थी। तलवारबाजी के ट्रेनर के स्टूडेंट्स इस मौके पर पहुँचे और हमें सरप्राइज दिया, और ये म्यूनिख के ओलंपिक खेलों का मैस्कॉट है। और जब मैं उनका निजी सामान लेने के लिए कमरे में गई तो वास्तव में लेने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब कुछ खून से लथपथ पड़ा था, लेकिन केवल एक चीज जो मैंने रखी वो ये छोटा सा कुत्ता था जिसे उसने बच्ची, हमारी अनूक के लिए खरीदा था। जाहिर है आज भी ये हमारे पास है। और भी सभी एथलीटों की व्यक्तिगत चीजें हैं, उनका भी परिवार था, बच्चे थे, उन्होंने हर तरह की चीजें की, और मेरे लिए ये महत्वपूर्ण था कि ये दिखाया जाए कि वे केवल एक नाम नहीं थे, बल्कि देखिए कि ये लोग असल में कौन थे। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने घोषणा की कि ओलंपिक खेल जारी रहेंगे। विश्वास नहीं होता। जीवन सामान्य हो गया, वो दर्दनाक था क्योंकि हमने अपनों का खून वहीं छोड़ दिया था। लोग कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे शुरुआत से शुरू करना होता है बार बार, तो अब ये मेरा एक हिस्सा बन गया है। जाहिर तौर पर मैं अभी भी ये करती हूँ, जैसे हम भी अभी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अगर दुनिया म्यूनिख में एक अलग तरह की प्रतिक्रिया देती, क्योंकि म्यूनिख अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की एक शुरुआती घटना थी, बेशक आतंकवाद पहले भी था
लेकिन उस पैमाने पर नहीं जिस पैमाने पर पूरी दुनिया इसे देख रही थी। अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो एक बहुत ही शक्तिशाली संगठन था, अगर वे सही कदम उठाते और इसकी निंदा करते, तो हम इस स्थिति में नहीं होते। ये एक पागलपन की स्थिति है। पिछले 30 वर्षों से मैं डच और बेल्जियम टेलीविजन और रेडियो के लिए एक विदेशी संवाददाता के रूप में काम कर रही हूँ। मध्य पूर्व पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ। मैं अक्सर गाजा पट्टी में रहती हूँ। मेरे लिए ये दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं दोनों पक्षों को दिखाने की कोशिश करती हूँ निष्पक्ष रूप से, हालांकि निष्पक्षता वास्तव में मौजूद नहीं होती। इस बात के बिना जो दुख मेरे दिल में मौजूद है, मेरे अतीत के लिए मेरी राय या मेरे विषयों में हस्तक्षेप के बिना। ये क्या है? ये चिपचिपा है। मुझे इसके बारे में बात करने का मन नहीं है। ये वैसी कहानी नहीं है जिस पर मुझे गर्व हो। और हमने यहाँ से शुरुआत की। मैंने कागज निकाले, मैंने इसे थोड़ा छांटा, लेकिन मैं सभी चिट्ठियाँ नहीं पढ़ पाई। मुझे लोगों ने पत्र लिखे थे। और अब 40 साल बाद जब मैंने उन्हें बाहर निकाला, तो मुझे इन सभी लोगों का लिखना याद ही नहीं है। मैं इतनी दूर आ चुकी हूँ कि मैंने इसे निकाला पर इसका सामना नहीं किया। और मैं एक समय में केवल एक ही चीज से निपट सकती हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ। इसलिए मेरी सीमाएं हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन स्वीडन में एक कंट्री हाउस में रहने के लिए बहुत कुछ। अगले मिनट, हाँ। इस जगह की देखभाल करना बहुत बड़ा काम है। साथ ही मेरी सेहत के चलते भी समय लगता है। जब आपको खरोंच लगती है और वो ठीक हो जाती है और आप उसका सामना नहीं करते, तो उसके निशान से ज्यादा लेना देना नहीं होता और बहुत समय बीत चुका है। आप उसे ढक देते हैं और आप अपनी जिंदगी जारी रखते हैं, अच्छी बुरी सारी चीजों के लिए। और मैं इतने सालों से यही कर रही हूँ। मेरे मामले में मुझे लगता है कि मेरा जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण है और मुझे उत्सुकता रहती है कि क्या हो रहा है और क्या नई चीजें हैं, और इसलिए मुझे इतनी पुरानी बातें याद नहीं रहती। मैं उन्हें पीछे छोड़ देती हूँ, तो मैं इससे इस तरह से निपटती हूँ। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि भले ही सिल्विया जिंदा दिल थी, उसके जीवन में शायद एक अकेलापन था, क्योंकि वो जीवन एक धोखा था। हालांकि वो मुकदमे के दौरान बहुत मजबूत थी और उसने ऐसा जताया जैसे कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने एक गर्भवती पत्नी के सामने उसके निर्दोष पति को मार डाला। लेकिन जब वो जेल से बाहर आई होगी, तब उस पर इसका असर जरूर पड़ा होगा। उसे उस आदमी से प्यार हो गया जिसके साथ उसने अपनी बाकी जिंदगी बिताई, उसका बचाव करने वाला वकील। मुझे लगता है एक ऐसा क्षण रहा होगा जब उसने अपने जीवन के बारे में फिर से सोचा होगा और पाया होगा कि क्या अहम था, और दक्षिण अफ्रीका में अपनी जड़ों में वापस लौटी होगी और अंततः एक गुमनामी वाला जीवन बिताया होगा। और मुझे वो बात पसंद है जो उसने एक बार एक इजरायली पत्रकार से बात करते हुए कही।
मैं ईमानदारी से जीना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि ये बात काफी कुछ कहती है। वो एक दोहरा जीवन जी रही थी और आप इसे एक निश्चित समय तक बनाए रख सकते हैं और फिर कुछ गलत हो जाता है और जो कुछ भी आपने बनाया है वो अचानक तहस नहस हो जाता है और बिखर जाता है। वो अचानक एक झूठी जिंदगी जी रही थी और मुझे लगता है इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। आसपास पक्षियों के चहकने की आवाजें, पेड़ों की हल्की हवा, मुझे लगता है कि वो अपनी अंतिम नींद के लिए इससे बेहतर शांतिपूर्ण जगह नहीं चुन सकती थी। मुझे नहीं लगता कि हत्या के घाव का कोई इलाज है। ये नुकसान मेरे जीवन के आखिरी दिन तक मेरे साथ रहेगा। मुझे लगता है कि इसी ने उन्हें बचाया है, क्योंकि उनका ध्यान स्मारक और न्याय पाने को लेकर बहुत केंद्रित था। मुझे लगता है कि उनको जीवित रखने और मेरे पिता को जीवित रखने का यही एकमात्र तरीका था। मैं उनकी ऋणी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कौन थे और वो सबसे सज्जन और सबसे शांतिप्रिय व्यक्ति थे। और ये सोचने के लिए कि उन लोगों ने उनके हाथ और पैर बांध दिए, उनका चश्मा तोड़ा, उनकी हड्डियाँ तोड़ दी, मुझे लगता है कि मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। मैं ऐसा करने वालों को कभी माफ नहीं करूँगी। मेरे पिता उनके जीवन का सच्चा प्यार रहे होंगे, क्योंकि एक डच लड़की का उनके लिए एक बहुत ही आरामदायक जीवन छोड़ना और 47 साल पहले इज़राइल आना और उनके लिए इतना कुछ कुर्बान करना, ये सच में प्यार ही है। मुझे लगता है कि वो हमेशा ये सुनिश्चित करने में व्यस्त रहेंगी कि म्यूनिख की कहानी को जीवित रखा जाए, और मैं आशा करती हूँ कि आखिरकार इतने वर्षों के बाद वो भूलेंगी तो नहीं, लेकिन इस काम को अंजाम तक लाने में सफल होंगी। उन्हें भी जिंदगी जीने का हक है। इसमें उनके जीवन के कई साल लग गए। मेरी छोटी सूची में एक और बात है। मैं चाहती हूँ कि एक स्वतंत्र जांच समिति वास्तव में ये पता लगाए कि क्या हुआ था, क्योंकि कहानी इतनी आसान नहीं है कि 8 फिलिस्तीनी 11 इसराइलियों को मारने आए। हमें 20 वर्षों तक सारे दस्तावेजों की पहुंच से दूर रखा गया। फिर किसी ने, जो म्यूनिख में अभिलेखागार में काम करता था, उसने उसे चुरा लिया। उसने उसके 80 पन्ने चुरा लिए और इन 80 पन्नों के साथ हमें 4000 फाइलें और सैकड़ों तस्वीरें मिली। और जो चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके थे वो अविश्वसनीय हैं। अगर आप जानते हैं कि यहाँ म्यूनिख के ठीक बाहर ओलंपिक खेलों में 2 सप्ताह पहले उन्होंने फिलिस्तीनियों को एक जर्मन सैन्य शिविर में प्रशिक्षण दिया, किस लिए? और ये सिर्फ एक चीज है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें मिली। और मुझे लगता है कि न केवल मेरे पति और उनके दोस्तों के लिए, बल्कि इतिहास के लिए भी ये मेरा फर्ज है कि सच्चाई बताई जाए। और ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है, और फिर मुझे उम्मीद है कि मैं घर जा सकती हूँ, क्योंकि ये एक लंबा और तन्हा सफर था। ये देखा, ये तुम्हारी माँ ने किया है। वो हमेशा इसकी पूंछ चबाती थी। बेचारा कुत्ता। क्यों? क्योंकि आपने उस पर पैर रखा।
उम्मीद है कि जब इलाना और मेरी माँ इसे और नहीं कर पाएंगे तब बच्चे बाद में उनकी विरासत को जारी रखेंगे। तुम दादी की जान हो। सवाल यह है कि ये सब किस तरफ ले जाएगा। इसमें मानव जीवन और बहुत सारा पैसा खर्च होता है। दोनों पक्षों को उम्मीद है कि कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि असल मुद्दा ही यही है। गाजा पट्टी से आंकी रिचेस, वीआरटी न्यूज़।